हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिविटी टाइप्स के बारे में कि डिफरेंट एक्टिविटी टाइप्स का मीनिंग क्या होता है और वो आपको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। ये बहुत क्रूशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको शेड्यूलिंग का फंक्शन मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आप अपने सारे प्रोजेक्ट को उस रेस्पेक्ट में ऑटो शेड्यूल कर पाएंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड फिनिश डेट मैन्युअली हम डाल रहे थे। कभी भी शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूलिंग जो होती है मैनुअल और ऑटो शेड्यूलिंग होती है। सिर्फ दो टाइप होता है। मैनुअल शेड्यूलिंग वो जिसमें आप मैनुअल करके खुद होके आप ड्यूरेशन डाल रहे हो और आप वो डेट के हिसाब से आप खुद सेट कर रहे हो। बट ऑटो शेड्यूल वो शेड्यूल होता है जो कि एग्जैक्ट शेड्यूल होता है, जो कि आपको बेस्ड अपॉन कैलेंडर, आपके वीकेंड और आपके डाटाबेस के रिस्पेक्ट में आपको वर्क देता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम कैलेंडर बना रहे थे उस टाइम पे रिसोर्स कैलेंडर भी थे और हमारे प्रोजेक्ट के कैलेंडर भी थे। तो ये सारी चीज़ें आपको जस्टिफिकेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, सो नाउ देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी हैव। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि चलो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट है इसको करने के लिए एक दिन लगेगा, इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट के लिए भी एक दिन लगेगा, मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक दिन लगेगा, इनिशियल सर्वे करने के लिए आपको दो दिन लगेंगे, क्लियरेंस ऑफ साइट के लिए आपको तीन दिन लगने वाले हैं। ठीक है, और ड्राइंग इश्यू करने के लिए आपको एक दिन लगेगा, लेआउट फॉर एक्सकर्शन डालने के लिए आपको एक दिन लगेगा, एक्सकर्शन करने के लिए आपको तीन दिन लगेंगे। ठीक है, फिर ट्रिमिंग एंड एक्सकर्शन करने के लिए आपको एक दिन लगेगा। ठीक है, पीसीसी डालने के लिए आपको दो दिन लगेंगे और ट्रेंचेस एग्जिस्टिंग करने के लिए फिर आपको और दो दिन लगेंगे। ठीक है, तो चलो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट जूम दिस थिंग्स। ओके, इसको जूम करेंगे। ठीक है, सी, ओके, कर दिया जूम हमने। तो नाउ देखिए, अभी यहाँ पे जब हमने ये बना लिया है तो ये बार क्या रिप्रेजेंट करती है कैसे जानेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बार्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको निक के आता है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग्स वॉट इट रिप्रेजेंट। ठीक है, रिमेनिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, तो ये जो लाइन है प्रॉपर एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर रिप्रेजेंट लेवल ऑफ एफर्ट की एक्टिविटी। ठीक है, ये जो एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। ये कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल बट क्रिटिकल एक्टिविटी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल एक्टिविटी। ये दोनों ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट कंस्ट्रेंट, फिनिश कंस्ट्रेंट। ये क्या यूज करता है, माइलस्टोन रिप्रेजेंट करता है। ये भी माइलस्टोन रिप्रेजेंट करता है। अभी ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है समरी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए चार्ट्स। ठीक है, और उनका टाइम स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो चीज़ है उसको टाइम स्केल कहते हैं, गैंट चार्ट या टाइम स्केल कहते हैं इसको। नाउ अभी आप देखेंगे दोस्तों, अगर मैं इस फर्स्ट एक्टिविटी को कौन से एक्टिविटी में कौन से टास्क एक्टिविटी टाइप असाइन करूँगा। बेसिकली ये मेरा प्रोजेक्ट का स्टार्ट फेज है, यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो दिस शुड बी इज माय दी स्टार्ट माइलस्टोन। अगर मैं इसको एज अ स्टार्ट माइलस्टोन असाइन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसे डॉट पॉइंट आ गया एंड ये जो स्टार्ट माइलस्टोन आने की वजह से इसकी फिनिश डेट खत्म होगी। फिनिश डेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, फिनिश डेट तब मिलती है ओके जब आप फिनिश माइलस्टोन असाइन करेंगे। तो चलो बॉटम में आते हैं, फिफ्थ स्टोरी में यहाँ पे मैं एक्टिविटी डाल देते हैं ओके, और एक्टिविटी का नाम देते हैं फिनिश एक्टिविटी, फिनिश एक्टिविटी। ठीक है, तो चलो इस फिनिश एक्टिविटी को अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे फिनिश माइलस्टोन कर दूंगा तो ये मेरा फिनिश एक्टिविटी हो जाए। आप देखें ये कहाँ पे चला गया, आपको दिखेगा नहीं फिलहाल, ओके, यू कैन नॉट एबल टू सी वाई, क्योंकि ये फिलहाल यहीं पे रहेगा। आपने अभी तक हमने इसको शेड्यूल नहीं किया है, जब हम शेड्यूल करेंगे तो उस हिसाब से ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो फिनिश एक्टिविटी जिसको सिर्फ फिनिश डेट है, और स्टार्ट एक्टिविटी हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो ये दोनों एक्टिविटी टाइप आपको क्लियर हो गए। कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट ऑन करेंगे तो उसके लिए आपको फिनिश एंड स्टार्ट एक्टिविटी देना बहुत जरूरी है, विच रिप्रेजेंट यूर, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा कब फिनिश होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं जिसमें टाइम रिगार्डिंग क्लॉजेस दिए जाते हैं, लाइक अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, MSRDCR है, अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, या फिर कोई प्राइवेट क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर भी है, अगर कॉन्ट्रैक्टर या फिर क्लाइंट को अगर डिले वर्क दिया है तो क्लाइंट नॉट सेटिस्फैक्ट है तो वो उस क्लेम को करके कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेस्ट मांग सकता है।
ठीक है, बट यूजुअली ये सारी चीज़ें L&T ऐसे बड़ी बड़ी कम ऑर्गेनाइजेशन करती हैं बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड देर अडेयर टू देयर टाइमलाइंस, बट जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट को उतना इंडिया में देखते नहीं है। बट हम एज अ बींग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई सजेस्ट यू कि यू शुड ऑलवेज लुक इन द टाइम स्केल शेड्यूल, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स को अच्छी तरीके से इन्वॉल्व कर सकें। नाउ बींग अ BIM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके, ये एक्टिविटीज़ उतनी इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा होती है क्योंकि यही सारे कनेक्शंस आपको नेविस्वर सॉफ्टवेयर में लेके जाने होते हैं। सो इट्स वेरी एसेंशियल टू लुक इन टू दिस मैटर। नाउ अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट को स्टार्ट माइलस्टोन असाइन किया, फिनिश एक्टिविटी को मैंने फिनिश एक्टिविटी माइलस्टोन का असाइन कर दिया। नाउ व्हाट अबाउट द इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो एक फिनिश तो हमने असाइन कर दी, स्टार्ट भी हमने असाइन कर दी। नाउ द नेक्स्ट वन इज टास्क डिपेंडर। टास्क डिपेंडर एक ऐसी एक्टिविटी है जो रिसोर्स के बेसिस के हिसाब से डिपेंड करती है कि आपको ये यूजुअली कॉमन एक्टिविटी टाइप है जो हम हर एक एक्टिविटी को असाइन कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग द स्टार्ट एंड फिनिश एक्टिविटी। मतलब अभी आप जितने भी एक्टिविटी है इन दोनों के बीच में सबको आप ये टास्क डिपेंडर असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये डिपेंड होती है प्रेडिसेसर और सक्सेसर के ऊपर। प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, जैसे इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रेडिसेसर आप एक्टिविटी क्या होगी, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट। इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट के लिए जो प्रेडिसेसर है वो कौन है, प्रोजेक्ट स्टार्ट। और इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट ठीक है इसके लिए फिर सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगी, नेक्स्ट। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट के लिए प्रेडिसेसर एक्टिविटी है प्रोजेक्ट स्टार्ट, और प्रोजेक्ट स्टार्ट के लिए सक्सेसर एक्टिविटी क्या है, इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रेडिसेसर इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज कम बिफोर अनदर एक्टिविटी, ठीक है, एंड सक्सेसर एक्टिविटी इट इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल बाय द सक्सेसर एक्टिविटी। इट इज ऑटोमेटिकली लाइक इट इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल बाय द प्रेडिसेसर एक्टिविटी। तो इसलिए आपको प्रेडिसेसर को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को टास्क डिपेंडेंट असाइन करते हो, ओके, इफ़ यू असाइन दिस एक्टिविटी एज अ टास्क डिपेंडेंट, सो यू नीड टू असाइन कि ये एक्टिविटी जो है, ओके, ये इसका प्रेडिसेसर क्या है, इसका सक्सेसर क्या है, ये आपको असाइन करना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ आई गो टू द प्रेडिसेसर, या फिर मैं यहाँ पे अगर रिलेशनशिप का एक कमांड लेके आता हूँ, या रिलेशनशिप का अगर मैं यहाँ पे कमांड लेके आता हूँ, यू कैन सी रिलेशनशिप में ये प्रेडिसेसर का है, ओके, और ये सक्सेसर का है। तो अगर मैं यहाँ पे इस एक्टिविटी का प्रेडिसेसर देता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, असाइन करूँगा, प्रेडिसेसर विल बी दिस, ओके, दैट्स इट। ठीक है, नाउ दिस एक्टिविटी इज अ, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप आएगा, फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, वो भी मैं अभी क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये समझाने का तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नो मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये भी एक्टिविटी किसी ना किसी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सो आई कैन असाइन दिस एक्टिविटी एज अ टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी। नाउ इनिशियल सर्वे, अभी मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को भी हम यहाँ पर रिलेशनशिप दे देते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो प्रेडिसेसर है वो कौन है, इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं प्रेडिसेसर में जाऊँगा, ऐड करूँगा इसके लिए इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट इज अ प्रेडिसेसर। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट के लिए देखो, अगर ये आप सिलेक्ट करते हो तो इस एक्टिव, पहले हमने ये असाइन नहीं किया था सक्सेसर, ठीक है, तो यहाँ पे इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट के लिए प्रेडिसेसर कौन है, प्रोजेक्ट स्टार्ट, लेकिन सक्सेसर कौन है, मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जब चालू होगा तो उसके लिए पहले इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट खत्म होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इट मींस कि प्रेडिसेसर इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ कम बिफोर द अनदर एक्टिविटी, बट द सक्सेसर एक्टिविटी वो ऐसी एक्टिविटी होती है जो प्रेडिसेसर खत्म होने के बाद, या फिर प्रेडिसेसर कंट्रोल एक्टिविटी होती है। ठीक है, नाउ इनिशियल सर्वे को भी हम वही दे रहे हैं, तो प्रेडिसेसर असाइन करते हैं, इनिशियल सर्वे में जो प्रेडिसेसर रहेगा वो हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद रहेगा। ठीक है, अगर मुझे मोर देन वन प्रेडिसेसर डालना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ कि भाई जब मुझे क्लियरेंस ऑफ साइट मिलेगा तब भी मुझे इनिशियल ऑफ सर्वे चाहिए। ओके, नो इशू, क्लियरेंस ऑफ साइट भी मैं उसको सबसे पहले टास्क डिपेंडेंट देना चाहूँगा, क्लियरेंस ऑफ साइट में भी मैं प्रेडिसेसर देना चाहूँगा, किसके लिए, मुझे क्लियरेंस ऑफ साइट करने के लिए, मतलब सारे क्लियरेंस करने के लिए मुझे इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, देखिए उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे सारे कोड्स यहाँ पे एक्टिविटी लिंक हो रही है। और इशू ऑफ ड्राइंग्स के लिए भी मुझे
किस एक्टिविटी की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गो टू द सी एन रिलेशनशिप ऑफ इच एंड एवरी एक्टिविटी, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, राइट, कैन सी। नाउ अभी मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे देखिए हर एक एक्टिविटी का, ओके, हर एक एक्टिविटी का एक अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ये कब स्टार्ट होगी, दिस एक्टिविटी विल स्टार्ट वंस दिस एक्टिविटी विल फिनिश। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप दी हुई है, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, ओके, स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है, तो ये क्या है, दिस आर टोटली डिपेंड अपॉन, लाइक एफ रिप्रेजेंट द प्रेडिसेसर एक्टिविटी, यस रिप्रेजेंट द सक्सेसर एक्टिविटी। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट, ओके, ये हो गई। नाउ प्रोजेक्ट स्टार्ट के लिए सक्सेसर कौन हो गया, इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट। तो आप जनरल में जाइए, ठीक है, जनरल में गया, यहाँ पे स्टेटस में जाइए, छोड़ दो इसको, रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस एक्टिविटी को, ठीक है, इस एक्टिविटी को अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो आप देखेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट है एक्टिविटी, इसको हम अलग तरीके से देखते हैं, ओके, इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, ये जब आप फर्स्ट प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट को देखेंगे, यहाँ पे आप रिलेशनशिप भी जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट लेयर के आप यहाँ पे रिलेशनशिप भी डाल सकते हैं, ओके, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से डालें यहाँ पे, ठीक है। तो इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट स्टार्ट जब होगा, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, खत्म होगा, फिनिश टू स्टार्ट, उसके बाद ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। नाउ इस एक्टिविटी का अगर मैं देख रहा हूँ, तो इसके लिए इंश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब इश्योरेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ये फिनिश होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को हम जस्टिफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने डाल दिया। नाउ इनिशियल सर्वे, अभी यहाँ पे मत देखो फिलहाल, इनिशियल सर्वे स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं फिनिश टू स्टार्ट रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मोबिलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फिनिश होगा, वैसे हमारा इनिशियल सर्वे स्टार्ट होगा, और वो भी स्टार्ट होगा कितने दिन के बाद, एक दिन के बाद, ऐसे मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाला वन डे, ठीक है। लैग, पॉजिटिव लैग, निगेटिव लैग मतलब क्या, ये मोबाइल स्टॉक खत्म होने से भी पहले मुझे ये एक्टिव, ये अगले वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा, अभी मैं जस्ट आपको और भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ों को डिफाइन होता है। क्लियरेंस ऑफ साइट, क्लियरेंस ऑफ साइट के लिए ये एक्टिविटी फिनिश टू स्टार्ट होने के बाद, ओके, एक दिन के बाद या फिर 1.5 दिन के बाद स्टार्ट होना, या फिर दो दिन के बाद स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इश्योरेंस ऑफ ड्राइंग, फिनिश टू, ये एक्टिविटी फिनिश होने के बाद एक दिन के बाद मेरा स्टार्ट होना चाहिए, ये मैंने बोल दिया। अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, ये जो बटन है यहाँ पे शेड्यूल की, इसको क्लिक करो। किस डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे, 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे, ठीक है, और इसको शेड्यूल करो। देखो शेड्यूल करते ही आपका सारा यहाँ पे ढांचा दिख जाएगा, यू कैन सी, राइट। अभी उसी बेसिस के रिस्पेक्ट में जो आपने यहाँ पे ड्यूरेशन डाले, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी कि आपकी एक्टिविटी 2 को स्टार्ट हुई और आपकी एक्टिविटी कब खत्म हो रही है, इट विल बी एंड ऑन द मोस्ट प्रोबेबली ऑन 7, बट यू कैन नॉट एबल टू जस्टिफाई कि आप इस पर्टिकुलर टाइम को देख के, इसको अगर मैं थोड़ा कम करूँ, लेट मी जस्ट रिड्यूस इट, यू कैन सी इट विल बी कंप्लीट ऑन 7th November, ओके, बट देर इज अ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट अफेक्ट यूर ओवरऑल प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, तो उनको फिर अभी कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर हमें ये चेक करना है कि जो मेरा WBS समरी मुझे चेक करनी है यहाँ पे, कि ये जो है, ये जो मेरे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर सिर्फ तीन ही एक्टिविटी, ये जो तीन से सिर्फ तीन ही एक्टिविटी का मुझे अगर स्टेटस चेक करना है, वो मैं कैसे चेक करूँगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी ऐड कर रहा हूँ, बोलता हूँ कि भाई ये जो एक्टिविटी है मेरी, ठीक है, दिस इज वन ऑफ माई एक्टिविटी, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, ओके ओके, लेट मी जस्ट टेक दिस एट अपस्ट्राइट, ये हो नहीं रही है, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, चलो हम इसको बोलते हैं कि ए, इसको हम अलग लेवल पे लेके आते हैं, A10, ठीक है, उसके बाद इसको कहते हैं
11 कह देते हैं, जस्ट ब्रिंग ओवर हियर, ठीक है यहाँ पे आगे ना। अभी मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर ये जो चार एक्टिविटी है कब खत्म होगी और इसका टोटल ड्यूरेशन कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समरी, और ये हर एक आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अभी देखो आप मजा देखो, समरी डाला और इसको मैं एक्टिविटी असाइन कर रहा हूँ WBS समरी। जब मैं इस एक्टिविटी को WBS समरी करके असाइन कर रहा हूँ, ओके दिस एक्टिविटी इज जस्टिफाइज व्हाट WBS समरी, ओके। सो नाउ लेट मी जस्ट शेड्यूल इट, ओके। सो यू कैन सी ये जो एक्टिविटी है ये एज अ समरी एक्टिविटी करके आ गई, और ये एक्टिविटी आपको ये डिफाइन कर रही है कि ये जो नीचे के पूरे चार काम है, ठीक है, ये चारों के चारों काम करने के लिए आपको 6 दिन लगेंगे। डिड यू चेक? अभी देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी इनिशियल सर्वे को मैं यहाँ पे 3 दिन दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको अभी शेड्यूल कर रहा हूँ, उतने ही दिन दे रहे हैं। चलो इश्यू ऑन ड्राइंग को भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे 3 दिन लगेंगे, फिर से इसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है। सॉरी पूरे प्रोजेक्ट को आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। यू कैन सी इट्स स्टिल टेलिंग यू कि ये जो एक्टिविटी है इसको खत्म करने के लिए आपको कब तक 6 दिन लगेगा। तो चालू कब होगी? 2 तारीख को चालू होगी, 7 को खत्म होगी, ठीक है। तो जब तक ये आपका प्रोसेस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे काम होता है, इट मींस कि WBS समरी की ये जो टास्क है, दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि नीचे में आपके जितने भी एक्टिविटीज है वो आपकी कब चालू होगी और कब खत्म होगी, तो वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, जैसे रिसोर्स डिपेंडेंट रिसोर्स के लिए आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिसोर्स डिपेंडेंट इस एक्टिविटी को डिफाइन करता हूँ, इफ आई डिफाइन दिस एक्टिविटी एज अ रिसोर्स डिपेंडेंट, और इसको अगर मैं रिसोर्स का कैलेंडर जस्टिफाई करूँगा, ठीक है, लाइक जस्ट लेट मी सी कि यहाँ पे 5 ट्रेड वर्क डे ऐसा ये कैलेंडर में दे रहा हूँ, तो उस रिस्पेक्ट में वो काम करेगी। इसको मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है, यू कैन सी वो आपको रिसोर्स के रिस्पेक्ट में काम बताएगी कि आपकी एक्टिविटी जो है वो अगर आप ये कैलेंडर यूज़ करोगे तो वो आपकी एक्टिविटी 2 तारीख को चालू होगी, 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट 1-2 वीडियो में आपको बताया कि हेड ऑफिस के कैलेंडर अलग होते हैं, साइट के ऑफिस कैलेंडर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो साइट के ऑफिस के कैलेंडर के लिए हम किसको असाइन करते हैं, जो हमारे लेबर्स होते हैं उनको असाइन करते हैं कि भाई आपको हफ्ते में 6.5 दिन काम करना है या फिर 6 दिन काम करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग सैटरडे। लेकिन एचओ में जो लोग होते हैं वो 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलेंडर की हेरा फेरी इसमें कर सकते हैं, जिससे आपको ये रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी, ओके। रिसोर्स डिपेंडेंट में भी आप ऑलोकेशंस कर सकते हैं, प्रेडिसेसर सक्सेसर आप डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है लेवल ऑफ एफर्ट। लेवल ऑफ एफर्ट एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, ये जो लेवल ऑफ एफर्ट एक्टिविटी जो होती है जो मैंने यहाँ पे असाइन की है, इसका मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं 51 कर लेता हूँ, ओके, लेट मी जस्ट चेंज ताकि इसको मैं नीचे लेके आ सकूँ। अब इसको मैं थोड़ा इसके बार जो है, ठीक है, बार्स जो है, ठीक है, लेवल ऑफ एफर्ट जो होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेवल ऑफ एफर्ट क्या कहता है? लेवल ऑफ एफर्ट एक्टिविटी जो है वो आपको ये हेल्प मतलब जस्टिफाई करने के लिए हेल्प करती है कि आपने जो ऊपर के काम किए हैं वो कितने दिन में किए हैं, ठीक है। तो शेड्यूल करेंगे, ठीक है, देखो तो आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इस एक्टिविटी को हमने प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया है, तो मैं आपको थोड़ा बाद में इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन ये एक्टिविटी उतनी हमें काम में नहीं होती है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो होती है वो होती है टास्क डिपेंडेंट, ओके। और टास्क डिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रेडिसेसर सक्सेसर कैसे देने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर एक ये सारी चीज़ें जो है फाउंडेशन एंड ऑल, ठीक है, थोड़ा ऐड करके सारे के सारे एक्टिविटीज़ को एक बार लिंक करके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यू वॉच दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।